संततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मंगलम् परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तेणाम् वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम् परम्। ओम। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पदार्थ हैं सूत्र में। अथ माने अनंतर, जिसके बाद ब्रह्म विचार होता है, माने ब्रह्म विचार के पहले जो साधन सामग्री अपने अंदर चाहिए वो बताने के लिए अथ शब्द है। बोला अतो हेत्वर्थः, अतः पद का अर्थ हेतु है। माने ब्रह्म जिज्ञासा से हमारा जो दुख मिटेगा और जिस परमानंद की प्राप्ति होगी, माने जिस हेतु से हमें ब्रह्म विचार में प्रवृत्त होना होता है उसका निरूपण है। और ब्रह्म जो है ये विचार का विषय है, उसके ज्ञान से ही मुक्ति होती है। तो इतने अर्थों को अपने पेट में रख करके अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ये सूत्र प्रारंभ हुआ है। तो कल कोई कोई सज्जन साधन के संबंध में पूछ रहे हैं, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, साधन होता है साध्य की प्राप्ति के लिए और ज्ञान होता है सिद्ध वस्तु का बोध कराने के लिए। तो इस भेद को बहुत लोग नहीं समझते हैं। जो पहले से मौजूद वस्तु है, सिद्ध है, उसको दिखाने के लिए उसके स्वरूप पर जो पर्दा पड़ा है, उस पर्दा को, अविद्या को हटाने के लिए ज्ञान होता है। वस्तु के बोध में ज्ञान किसी भी साधन की अपेक्षा नहीं रखता, ये वेदांत का सिद्धांत है। बोला जैसे रूप को देखने के लिए बढ़िया आंख चाहिए, बस अगर तुम्हारे पास आंख है तो तुम लाल, नीला, काला, पीला पहचान सकते हो। प्रमेय वस्तु का साक्षात्कार जो है वो प्रमाण से होता है। इसलिए आत्मा को ब्रह्म बनाने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं है, केवल उस प्रमाण के द्वारा जो ब्रह्म को दिखाने में समर्थ है, उस प्रमाण के द्वारा देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य, प्रत्यक्ष चैतन्यारण्य ब्रह्म तत्व की जो मालूम पड़ती हुई अविद्या है, वो अविद्या मिट जानी चाहिए। उसके लिए तो केवल ज्ञान ही अपेक्षित है और कुछ नहीं।
तो फिर ये साधन की चर्चा क्यों है? एक और प्रश्न, साधन का एक और खंडन लो। मुक्ति नित्य है कि अनित्य है? तो जो वस्तु किसी भी साधन से मिलती है, अभी मिली नहीं है, अभी है नहीं, और साधन करने से पैदा हो जाती है, जब वो चीज साधन करने से पैदा हुई तो मिट जाएगी। जो वस्तु उत्पाद्य होती है वो विनाश्य भी होती है। तो कहो कि भाई मुक्ति तो आत्मा का स्वरूप है, वो साधन के द्वारा उत्पाद्य नहीं है, स्वतः सिद्ध है। बोले फिर उसके लिए साधन की जरूरत कहां? अब ये देखो दो प्रश्न हुए, तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर वेदांत ये देता है कि ठीक है, ज्ञान होने पर तुम्हें यही प्रतीत होगा कि मुक्ति तो हमारे आत्मा का स्वरूप ही है और वो नित्य प्राप्त है, वो साधन से उत्पाद्य अनित्य नहीं है, उसके लिए साधन की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु ये ज्ञान होने के लिए, ये ज्ञान, ये वृत्ति उदय होने के लिए जो पहले की तैयारियां हैं वो तो होना चाहिए ना। भाई आंख में कोई रोग तो नहीं है, इसकी परीक्षा कर लो, है ना? अगर आंख में कोई रोग मालूम पड़ता होए तो उस रोग को दवा दारू करके ठीक कर लो। ऐसी आंख मिल जानी चाहिए जिससे वस्तु दिखती है। तो नेत्र की शुद्धि में औषध का उपयोग है और नेत्र के द्वारा रूप को देखने में औषध का उपयोग नहीं है। अब ये बात साधन की आई, माने अद्वैत ब्रह्मात्म तत्व साधन साध्य नहीं है, वो सिद्ध है, वो नित्य प्राप्त है, वो स्वयं है। नित्य प्राप्त में ही अप्राप्ति का भ्रम हो गया है, उस भ्रम को मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए। अच्छा, तो ज्ञान के लिए जब विचार करने लगे और कहीं भटक जाएं तो क्या होगा? तो बोले कि भटकने के लिए जो प्रतिबंध हैं उनकी निवृत्ति का उपाय कर लो। ये ब्रह्म दिखाने के लिए साधन नहीं है, अपने अंतःकरण को ऐसा बनाने के लिए है कि जिससे ब्रह्म देखा जा सके। साधन का उपयोग सिद्ध हो गया। अब जरा साधनों की भी चर्चा कर देते हैं। उपनिषद का कहना है कि चार बात ज्ञान के साथ नहीं होनी चाहिए। बोला यदि तुम्हें अपने अंतःकरण में ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न करना है तो चार बात तुम्हारे अंतःकरण में नहीं होनी चाहिए। ना विरतो दुश्चरितात्, ना शांतो, ना समाहिता। ना शांत मानसो वापी प्रज्ञाने नैनम आपनुयात। क्या कहते हैं कि एक तो यदि तुमने दुष्चरित्र को नहीं छोड़ा है तो विचार क्या करेगा? नागर को दुष्चरित्र माने पहले दुष्चरित्र जो है ये तो विचार में ही बाधक है, अंतकरण शुद्धि में ही बाधक है। गिना दे पहले फिर बताते हैं। और मन में काम क्रोध का वेग है तो विचार कहां से करोगे? वो भी विचार में बाधक है।
और यदि चित्त चंचल है तो चंचल चित्त से विचार कैसे करोगे? और यदि कोई सिद्धि चाहते हो कि हम आसमान में उड़ने लगें, पानी पर चलने लगें, दूसरे के मन की बात जानने लगें, हैं? और अपने मन का संकल्प दूसरे से पूरा करवा दें, अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम में ईसित्व बसित्व, यदि कोई सिद्धि चाहते हो तो का तो विचार कहां से करोगे? तो शुद्ध विचार होने के लिए ये आवश्यक है। कुतर्क से सत्य की प्राप्ति नहीं होती, केवल तर्क वितर्क से भी सत्य की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि तर्क वितर्क का लक्ष्य नहीं है कि वो कहां ले जाएगा। तर्का प्रतिष्ठाना, ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है तर्का प्रतिष्ठाना, तर्का प्रतिष्ठाना अधिकरण है, उसमें ये बात बताई है कि एक तो तर्क में स्थिरता नहीं है, आप समझ सकते हैं, तर्क तो दाएं बाजू और बाएं बाजू दोनों का होता है, इधर भी ले जाए उधर भी ले जाए, तर्क में स्थिरता नहीं है, और दूसरे तर्क का लक्ष्य नहीं है। एक वस्तु को नहीं मिला सकता था, तो जिन लोगों को एक वस्तु प्राप्ति करना नहीं है, अनैक्य ही जिनका लक्ष्य है। अब देखो आप यहां वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन का यहां भेद है, क्या भेद है कि जिनका लक्ष्य ही अनैक्य है, हैं? कि चाहे पहाड़ पर चढ़े चाहे खड्ड में गिरे, उनके लिए तर्क साधन हो सकता है, लेकिन जिनको एक लक्ष्य प्राप्त करना है उस लक्ष्य के अनुकूल तर्क पूजित विचार मीमांसा, इसके लिए सबसे बढ़िया शब्द मीमांसा है, मीमांसा माने पूजित विचार, उस वस्तु की प्राप्ति के लिए जो शुद्ध विचार है, शुद्ध तर्क की आवश्यकता है, कांदिशिक तर्क की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तो अब साधन की बात सुनाते हैं आपको। पहले दुष्चरित्र, दुष्चरित्र माने चरित्र की मर्यादा प्रत्येक समाज में होती है, यहां तक कि पशु समाज में भी चरित्र की एक मर्यादा देखने में आती है अध्ययन करने पर, भले वो विचार पूर्वक हो अविचार पूर्वक हो, केवल संस्कार से हो केवल अभ्यास से हो, परंतु पशु समाज में भी एक मर्यादा देखने में आती है। तो यदि हम अपने समाज की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, मर्यादा माने मर्यई ही आदियते, मरणशील मनुष्यों के द्वारा जो स्वीकार की गई है मर्यादा, मर्यई ही मनुष्यई आदियते इति मर्यादा, मनुष्यों ने स्वयं जिसको स्वीकृति दी है उसका नाम मर्यादा। अच्छा, तो हम अपनी स्वीकृति को क्यों काटते हैं? हमने एक बार वादा किया है ना कि हम पति पत्नी परस्पर मिल के रहेंगे, ये समझो मर्यादा है, धर्म के अनुसार समाज के अनुसार जाति के अनुसार रहेंगे, हैं? अच्छा, आप कहो कि हम उसका उल्लंघन करेंगे, तो उल्लंघन क्यों करेंगे? माने काम वासना इतनी प्रबल है, भोग वासना इतनी प्रबल है कि आप उसको मर्यादा में रखने में समर्थ नहीं है, हैं? तो जब आप वासना बस हो करके मर्यादा का अतिक्रमण कर सकते हैं, तब आप वासना बस हो करके अशुद्ध विचार को भी स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए आप विचार के द्वारा सत्य को तब प्राप्त कर सकते हैं जबकि आपके अंदर अपनी वासना पर काबू प्राप्त करने का, है ना, उसको वश में करने का सामर्थ्य हो।
एक बात। अच्छा देखो, ना शांतो ना समाहिता, ये वेदांत विचार में बहुत पहले की बात है। हो अच्छा, क्रोध आया और गाली देने लगे, तो क्रोध आने पर आपने अपनी वाणी को काबू में नहीं रखा, यही ना गाली देने का यही अर्थ है। तो आप सत्य का विचार करते समय यदि किसी संप्रदाय पर आपका क्रोध होगा, किसी आचार्य पर क्रोध होगा, हैं? किसी शब्द पर, कोई शब्द आपको पसंद नहीं होगा, और जैसे बहुत से भक्त ऐसे होते हैं कि उनको ब्रह्म शब्द ही पसंद नहीं होता है, कई वेदांती ऐसे होते हैं जिनको राम कृष्ण आदि शब्द ही पसंद नहीं होते हैं, अब विचार कैसे करेंगे? विचार के लिए जो समानता की तुला चाहिए, जो न्याय की तुला, तराजू की तुला चाहिए, वो कामक क्रोधादि का वेग आने पर उसमें तौलने का सामर्थ्य ही नहीं रह जाता। हम संपूर्ण भक्ति संप्रदाय के आचार्यों की बात जानते हैं, श्री रामानुजाचार्य ने और उनके 10 अनुयायियों ने, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने और उनके 4-5 अनुयायियों ने, श्री निम्बार्काचार्य ने और उनके 3-4 अनुयायियों ने, श्री मध्वाचार्य ने और उनके 5-7 अनुयायियों ने, और श्री शंकराचार्य ने और उनके 15-20 अनुयायियों ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य, टीका, टिप्पणी, योजना, परिलेख, है ना, रश्मि, भाव प्रकाश, श्रुत प्रकाशिका लिखे हैं, और सबने ब्रह्म शब्द को परम तत्व, परमात्मा का, परमार्थ का, सत्य का वाचक माना है। किसी ने कहा ब्रह्म माने नारायण, किसी ने कहा ब्रह्म माने पुरुषोत्तम, किसी ने कहा ब्रह्म माने कृष्ण, किसी ने कहा ब्रह्म माने शक्ति, लेकिन ब्रह्म शब्द को परमार्थ सत्य का वाचक सबने माना है। ऐसी स्थिति में अगर आपके मन में ब्रह्म शब्द के प्रति द्वेष है, तो आप एक तो अपने आचार्य के ही विरोधी हैं, और दूसरे आप न्याय के तराजू पर परमार्थ को, सत्य को तौल नहीं सकते। यदि आपके मन में किसी शब्द के प्रति द्वेष है, किसी आचार्य के प्रति द्वेष है, किसी संप्रदाय के प्रति द्वेष है ना, तो ना शांता। अच्छा, चित्त चंचल है तो आप विचार कैसे करेंगे? कभी यहाँ गए, कभी वहां गए, चंचल चित्त से विचार नहीं होता है, स्थिर चित्त से विचार होता है। और यदि आप विचार से केवल सत्य का ही साक्षात्कार नहीं चाहते हैं, उससे कुछ बीच में फायदा भी उठाना चाहते हैं, एक जज हो और वो सच्चा निर्णय देना भी चाहता हो, मान लें, लेकिन वादी प्रतिवादी से बीच में कुछ फायदा उठाना चाहे, हैं? तो क्या वो सच्चा जज होगा? तो जो सिद्धि चाहता है बीच में, वो विचार के द्वारा सिद्ध सत्य से वंचित हो जाता है। इसलिए सत्य के साक्षात्कार के सिवाय दूसरी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये श्रुति ने स्पष्ट कहा हो। ना विरतो दुश्चरितात्, ना शांतो ना समाहिता, ना शांत मानसो बापी प्रज्ञाने नैनव आत्मयात। चाहे तुम्हारी विद्या जितनी बड़ी हो, चाहे तुम्हारी बुद्धि जितनी बड़ी हो, परंतु ये 4 बातें जो हैं, दुश्चरित्र, काम क्रोधादि का वेग, चित्त की चंचलता और सिद्धि की इच्छा, 4 बात छोड़ करके ये 4-4 का प्रसंग चलता है। अच्छा, साधन के संबंध में एक बात आपको और सुनाता हूं। देखो, साधन की बात पुस्तकों में पढ़ने को मिलती है और पंडितों से सुनने को भी मिलती है, परंतु उस साधन की जो गंभीरता है, रहस्य है, उसको जो अनुभवी महापुरुष लोग होते हैं वही जानते हैं। एक जयदेव कवि का एक श्लोक है, हो गीत गोविंद में नहीं, प्रसन्न राघव में, अब्धिर लंघित एव वानर भटई,
किन्त्वस्य गंभीरताम् आपाताल निमग्न पीवर तनुर जानाति मंथा चला। वे बंदर समुद्र पार कर गए, परंतु समुद्र कितना गहरा है इसका ज्ञान उनको नहीं हुआ। समुद्र कितना गहरा है इसका ज्ञान तो उस मंदराचल को हुआ है, जो अपनी चोटी सहित समुद्र में डूबने लगा हो, अब ताप उपचुभ होने लगा, उन्मज्जन निमज्जन करने लगा, उसको पता चला कि समुद्र में गहराई कितनी है। अच्छा, तो साधन की एक बात आप सुन लो, ब्रह्म की बात आपको सुनाएंगे। फिर साधन की बात यह है कि जैसे कोई गरीब आदमी अगर कोई काम करना चाहेगा तो वो ये पूछेगा कि हमको कितना फायदा होगा, तनख्वाह क्या मिलेगी। स्वभाव से गरीब हो, है ना, और वो किसी के यहां नौकरी करना चाहे तो वो क्या तलाश करेगा कि यहां हमको कितनी तनख्वाह मिलेगी, कितना लाभ होगा। और कोई स्वभाव से हो धनी, है ना, थोड़ा परिपूर्ण, और उसको कोई साधन करना पड़े, कोई काम करना पड़े, तो उसको कुछ पाना तो है नहीं, उसको ये देखना पड़ेगा कि हमारी कितनी तकलीफ इससे निवृत्त होगी। ये वेदांत विचार जो है वो अप्राप्त का प्रापक नहीं है, माने जो हमको नहीं मिला हुआ है सो देने वाला नहीं है। वेदांत का विचार तो ये बताने के लिए है ना कि तुम बिल्कुल पूर्ण हो, तुम्हारी सब कमजोरियों को मिटाने वाला, संपूर्ण कमियों को मिटाने वाला। तो वेदांत में साधन की प्रवृत्ति ऐसे होती है कि हमारे अंदर क्या रोग है और उसकी निवृत्ति क्या होगी। अब ये देख लो, माने स्वास्थ्य तो स्वाभाविक है, आत्मा जो है वो अपने स्वरूप में स्थित है, परंतु किन्हीं कारणों से वो अपने को देह में स्थित मान रहा है। कोई ऐसा पागलपन, कोई ऐसा भ्रम, कोई ऐसा अज्ञान आ गया है कि वो अपने को परिच्छिन्न देह, परिच्छिन्न माने कटने वाला, पिटने वाला, मरने वाला, रोगी होने वाला, दुखी होने वाला, पापी पुण्यात्मा होने वाला, स्थूल सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्यापन्न हो गया है। तो वेदांत में साधन किधर को चलेगा, है ना? आपको हीरा देने के लिए साधन नहीं चलेगा, आपके पास जो हीरा है उसको पहचानने में जो बाधा पड़ रही है उस बाधा को मिटाने के लिए साधन चलेगा। प्रतिबंध की निवृत्ति साधन का मुख्य लक्ष्य होगा। अच्छा, अब आप इस कसौटी पर साधन को कसो। तो जब तक आप व्यावर्त्य को, माने किसको हटाना है ये बात नहीं समझोगे, तब तक व्यावर्तक समझ में नहीं आवेगा। इसके लिए वेदांत में शब्द है व्यावर्तीय व्यावर्तक भाव, बोला क्या हटाना है और वो किसके द्वारा हटेगा। तो चार प्रकार का साधन देखो वेदांत का। जो वस्तु और क्रिया की त्रुटि से जो कमियां तुम्हारे अंदर हैं, वस्तु और क्रिया के संबंध से जो गलती तुमसे होती है उस गलती को दूर करने वाला साधन। वस्तु माने बेईमानी का माल ले लिया, है ना, और चोरी से ले लिया, जिस चीज पर अपना हक नहीं है तो वो तो वस्तु हुई ना, है ना, और चोरी की क्रिया करके उसको ले लिया। आप कहोगे कि क्या वेदांत, आप तो वेदांत में वही सुनना चाहते हो ना कि तुम शुद्ध ब्रह्म हो,
पर इतनी छोटी छोटी बात के विचार में भी यदि आपकी बुद्धि प्रवेश नहीं करे है तो ब्रह्म के विचार में कैसे प्रवेश करेगी। पहले साधन संबंध में विचार करो, है ना। चीज तुम्हारी नहीं है, उस पर कोई हक नहीं है और गलत तरीके से तुम उसको प्राप्त कर रहे हो, तो वस्तु और क्रिया के संबंध से जो तुम्हारे अंदर दोष आया है उसको बोलते हैं अधर्म। उस अधर्म को दूर करने के लिए धर्माचरण चाहिए, तब अंतःकरण शुद्ध होगा। अच्छा, और वासना की प्रधानता से जो दोष आया है वो उपासना से दूर होगा, और चंचलता की प्रधानता से जो दोष आया है वो योग से दूर होगा। तो दोष है अंतःकरण में और उनको दूर करने का उपाय किया जाता है बाहर, धर्म का अनुष्ठान, उपासना का अनुष्ठान है, शरीर में आसन प्राणायाम आदि है, भोजन शुद्धि आदि, आहार शुद्धि आदि, ये क्या है, साधन किया बाहर और उसका फल चाहते हैं हृदय में भीतर। तो ये परंपरा साधन हुआ, बाहर करोगे तो भीतर परिवर्तन होगा। ये धर्म, धर्म क्रिया और वस्तु से संबद्ध है, आप देख लो, और उपासना मन की वासना से संबद्ध है, और योगाभ्यास जो चित्त में चंचल रहने की आदत पड़ गई है उस आदत को मिटाने के लिए, अभ्यास को मिटाने के लिए अभ्यास है, वो भी क्रिया है। अब आप देखो इसके बाद सम दम उपरति तितिक्षा जो है ये अभ्यास रूप नहीं, ये क्रिया रूप नहीं है, हो न वस्तु रूप है न क्रिया रूप है। जहां आपको दोष दूर करना है उसी जगह पर सम दमादि होते हैं। तो परंपरा साधन बाह्य होते हैं और अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो साधन होते हैं वो अंतःकरण में होते हैं, वो बाहर नहीं होते हैं। अब आपको है ना, अब ये तो ऐसे आप मामूली तरह से किताब पढ़ेंगे, दौड़ धूप में, ये आज हमने 100 पेज पढ़ लिए, है ना। एक आदमी को हमने सलाह दी कि तुम पंचदशी पढ़ो तो वेदांत की प्रक्रिया समझ में आएगी, तो 2 दिन में पूरी पंचदशी पढ़ के वो हमारे पास आ गए कि हमने पंचदशी पढ़ ली। मैंने कहा तुमने कोई जासूसी कहानी या तिलस्माती उपन्यास पढ़ा होगा, है ना, तुमने पंचदशी 2 दिन में पढ़ी है, इस बात पर हम विश्वास नहीं कर सकते, आप ध्यान दो इस बात पर। तो बाह्य शुद्धि के लिए जो देह के बाह्य अभ्यास, कर्म और वस्तु के साथ संबंध है वो परंपरा साधन है, और अंतःकरण की शुद्धि के लिए, करण माने औजार, आप ये समझ लो कि जैसे गोली मारने के लिए बंदूक होती है ना, तो गोली भी मारने का करण ही है और बंदूक भी मारने का करण है और हाथ से गोली चलाना भी करण है। करण माने औजार, है ना, जैसे हम पिचकारी से पानी फेंकते हैं, जैसे कलम से लिखते हैं, लिखने का करण क्या है, कलम, ये कर है ना, कर से करण बनता है, हो करण से कर्म बनता है, करण से कर होता है, करण से कार्य होता है, करण से अंतःकरण होता है, करण से कर्ता होता है, बोला कर्ता, अंतःकरण, बहिःकरण, कर्म, ये सब शब्द की बात है। जरा ध्यान दो इस बात पर कि अब ये क्रोध न होना, काम न होना, समदम, तो इंद्रिय के विक्षेप की निवृत्ति दम है और मन के विक्षेप की निवृत्ति सम है। अब देखो व्यावर्त को पहचानो, हम आपको अभी सुनाते हैं कि साधन असल में एक ही है। अच्छा, कर्म विक्षेप की निवृत्ति का नाम उपरति है और बड़प्पन के विक्षेप की निवृत्ति श्रद्धा है और चित्त के सहज चंचलता की निवृत्ति इसका नाम समाधान है।
ये देखो ये कहाँ है, ये सब अंतकरण में है, तो ये करण शोधक है। बोला कर्म शोधक, करण शोधक और पदार्थ शोधक। पदार्थ शोधक माने तत्पदार्थ क्या है, तुम पदार्थ क्या है, जिस वस्तु को हम पाना चाहते हैं ना उसके शुद्ध स्वरूप का ज्ञान, ये पदार्थ शोधन है। ना जैसे सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस पर जब विचार करोगे तो क्या होगा, देखो ये श्रवण मनन निधिध्यासन होगा। तो श्रवण मनन निधिध्यासन, जिस वस्तु को हम पाना चाहते हैं उसके बारे में विचार है, इसलिए उसको अंतरंग साधन बोलते हैं। और सम दम उपरति तितिक्षा, ये जो हैं ये श्रवण मननादि में सहायक हैं, इसलिए करण की शुद्धि के हेतु होने के कारण ये बहिरंग साधन है। बंदूक को साफ करना बहिरंग है और निशाना लगाना अंतरंग है। और धर्म उपासना योग आदि परंपरा साधन है। तो ये क्यों ऐसा भेद किया, आपके ध्यान देखो, साधन तो आपको मालूम है पर ऐसा भेद क्यों है इस पर विचार करो। ऐसा भेद इसलिए है कि तत् और त्वम पद के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ का शोधन जिससे होवे वो अंतरंग है, और शोधन करने के लिए जो हृदय अधिकरण है उसका शोधन बहिरंग है। और हृदय की शुद्धि के लिए जो बाह्य चरित्र शुद्धि आदि हैं वो अंतकरण शुद्धि में मददगार हैं, इसलिए वे परंपरा हैं। तो तीन हुए ना, अब चौथे की बात सुनो। चार चार के तो बड़ी महिमा है ना यहाँ। हाँ, विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय, विराट हिरण्य गर्भ ईश्वर और ब्रह्म। देखो ईश्वर हम लोग उसको कहते हैं जो बाल बच्चेदार होता है ना, और ब्रह्म उसको कहते हैं जो सन्यासी होता है। ब्रह्म के बाल बच्चे नहीं होते हो, है ना, और ईश्वर के बाल बच्चे सब होते हैं। तो जो माया पत्नी के साथ विहार करके प्रपंच रूप है ना संतानोत्पादन करता है उसको ईश्वर बोलते हैं, और जो माया रूप पत्नी से पृथक हो करके सन्यासी के रूप में बिना बाल बच्चा पैदा किए ही रहता है तो उसको ब्रह्म बोलते हैं। तो आओ, ये इसका ऐसा विवेक है। अच्छा, अब चौथी बात रह गई ना, कौन सी चौथी बात, ये साक्षात साधन, उसको परंपरा साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन और साक्षात साधन। साक्षात साधन क्या होता है, जो त्वम पद के अर्थ को और तत्पद के अर्थ को एक बताए दे, एक लखाए दे, साक्षात्कार कराए दे, का उसको साक्षात बोलते हैं। तो वो जो महावाक्य जन्य वृत्ति है, महावाक्य से मतलब कई सज्जन है वो कभी कभी गड़बड़ा देते हैं क्या, तो वो कहते हैं कि उस संस्कृत भाषा के उसी वाक्य के उच्चारण से कैसे ज्ञान होगा। अरे बाबा, भाषा का सवाल नहीं है, बोला संस्कृत भाषा हो चाहे रशियन हो चाहे लैटिन हो चाहे जर्मन हो, कोई भी भाषा हो, लेकिन मतलब वही होना चाहिए, अपनी पूर्णता के अनुभव का उल्लेख। आत्मा परमात्मा से एक है और परमात्मा से अलग प्रपंच नहीं है, इसलिए अद्वय सत्य परमार्थ सत्य है, अद्वितीय सत्य ही परमार्थ सत्य है। अच्छा, अब वो बात आपको सुनाते हैं क्या कि देखो, असल में काम को मिटाने के लिए ब्रह्मचर्य चाहिए और क्रोध को मिटाने के लिए अहिंसा चाहिए और झूठ को मिटाने के लिए सत्य चाहिए हैं? और लोभ को मिटाने के लिए अस्तेय और अपरिग्रह चाहिए। तो जैसे सामने से पहलवान आवे और एक एक पहलवान के साथ एक एक को भिड़ा दो, काम वासना के साथ ब्रह्मचर्य को भिड़ाओ, क्रोध वासना के साथ अहिंसा को भिड़ाओ, लोभ वासना के साथ अस्तेय और अपरिग्रह को भिड़ाओ, तो ये तो एक एक हुआ ना।
कि नहीं ये अनेक नहीं है, एक ही है, सब के सब मिलके एक है। सब के सब मिलके एक हैं, कैसे एक नहीं होंगे तो ये दोषों पर विजय ही नहीं प्राप्त कर सकेंगे। कौन कौन सा साधन करोगे? का एक कैसे है? का देखो, काम वासना की निवर्तक जो शांति है, हम अपने चित्त में शांत होते हैं और काम वासना मिट जाती है, उस शांति का नाम ब्रह्मचर्य है। और क्रोध वासना की निवर्तक जो शांति है उसका नाम अहिंसा है। शांति का नाम अहिंसा, शांति का नाम सत्य, शांति का नाम ब्रह्मचर्य, शांति का नाम संतोष, शांति का नाम अस्तेय, शांति का नाम अपरिग्रह। बोले फिर जब एक चित्त में शांति ही चाहिए तो इतने नाम क्यों बताए गुणों के? तब देखो ऐसा है कि ये कहीं चेतन जब आंख में बैठ के काम करता है तब उसका नाम नेत्रेंद्रिय होता है, और वही चेतन कान में बैठ के काम करता है तो उसका नाम श्रोत्रेंद्रिय होता है, वही चेतन नाक में बैठ के गंध का ज्ञान प्राप्त करता है तो उसका नाम ग्राण हो जाता है, वही जीभ में आता है तो रसना, वही हृदय में है तो उसका नाम मन है, बुद्धि है ना, वही परिच्छिन्नता का अभिमानी है तो जीव है। एक ही चैतन्य जैसे स्थान भेद से, कार्य भेद से, उपाधि भेद से अनेक नाम प्राप्त करता है, ऐसे एक ही शांति अनेक दोषों की निवृत्ति करने के कारण अनेक नाम प्राप्त करती है। असल में शांति ही विचार की योग्यता की पृष्ठभूमि है। यदि तुम्हारा चित्त शांत होगा तो शांत विचार कर सकोगे। तो अर्थ शब्द से जो आनंद तर्ज बताया, आनंद तर्ज माने इसके अनंतर, अनंतर तो जानते हैं ना, इसके अनंतर यह है। जिससे पहले उसका होना आवश्यक हो, तो आनंद तर्ज क्या है? अर्थ शब्द का अर्थ है आनंद तर्ज। आनंद तर्ज माने सम दाम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, वेद में शांतो दान्तः उपरतः तितिक्षुः समाहितः श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत। बोले आनंद तर्ज कहां से निकला? बोले भूत्वा, होकर तब अपने में अपने आप को देखे। क्या होकर? शांत होकर, दांत होकर। ये होकर जो है ना असमाप्त क्रिया, ये बताती है, असमाप्त क्रिया बताती है कि आनंतर ये अपेक्षित है। पहले हमारे हृदय में शांति आवे। अच्छा, तो ये तो ठीक है कि शांति जो है ये मन के विक्षेप की निवृत्ति है, ये साधन स्वस्थता की प्राप्ति के लिए नहीं है, रोग की निवृत्ति के लिए है। ये बात आपके ध्यान में है ना? जैसे आप दवा लेते हैं तो दवा इसलिए लेते हैं कि आपका रोग दूर हो जाए, और स्वयं तो आप पहले से मौजूद हैं, रोग नहीं था जब से मौजूद हैं, और ये दवा छोड़ दी जाएगी, छूट जाएगी दवा, तब भी मौजूद हैं, तो इनको दवा बोलते हैं। क्यों दवा बोलते हैं? कि जब तक रोग है तब तक लेने के हैं, और जब रोग नहीं है तब ये छोड़ देने के हैं। ये केवल आपके चित्त में जो रोग है उसकी निवृत्ति के लिए है। अच्छा, ये औषधि है, और साधन जो है वो औषधवत है, स्वास्थ्यवत नहीं है। स्वास्थ्य तो अपना अपने स्वरूप का है, अपना स्वरूप ही स्वास्थ्य है। अच्छा, अब शांति में और उपरति में क्या अंतर है? बोले एक शांति रखो तो बोले कि मन में जो काम क्रोध आदि हैं उसको जो निवृत्त कर दे सो शांति, और वही शांति जब इंद्रिय विक्षेप को निवृत्त कर दे तो दांति दम, और वही जब कर्म विक्षेप को निवृत्त करे तो उपरति, और वही जब अभिमान विक्षेप को निवृत्त करे। कई लोग कहते हैं हम किसी से पूछेंगे, एक जगह चौराहा था वो, और एक आदमी को कहीं जाना था, वो आ गया तैश में, बोले हम किसी से पूछेंगे नहीं, हम पहुंच जाएंगे, है ना? तो चौराहे पर एक रास्ते से चला, जब उस रास्ते का अंत हो गया और वहां नहीं पहुंचा तो फिर लौट आया,
तो फिर दूसरे से चला, तो दूसरे से जहां तक रास्ता जाता था गया, वहां से नहीं मिला तो फिर लौट आया, है ना, फिर तीसरे से गया। अब वो चौराहे पर बार बार, एक बार समझो पहुंचा, लेकिन जो वस्तु किसी से पूछ लेने पर उसको तुरंत मिल सकती थी, देखा तो बिल्कुल चौराहे के सामने 10 हाथ पर वो जगह थी जहां उसको पहुंचना था, पर उसको पहुंचने में कई घंटे लगे। क्यों कई घंटे लगे? का उसको जो अभिमान था कि मैं किसी से पूछूंगा नहीं, है ना, मैं किसी से पूछूंगा नहीं, जिज्ञासा नहीं करूंगा, इसके कारण उसको बहुत देर लगी। तो इस अभिमान के कारण, अपनी विद्या का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, अपने बड़प्पन का अभिमान। एक राजा साहब थे, सच्ची बात सुनाता हूं, तो ये हुआ, राजा को धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में थोड़ी जिज्ञासा थी। तो लोगों ने कहा कि एक विरक्त महात्मा रहते हैं यहां, उनके पास जाओ। बोले वो महात्मा कैसे रहते हैं? बोले वो तो धरती पर बैठते हैं, लंगोटी पहन के रहते हैं, मांग के खाते हैं। तो वो बोला कि मैं राजा होकर के ऐसे भिखारी के पास जाऊंगा तो हमारे राजा पने की जो मर्यादा है वो टूट जाएगी, तो मैं नहीं जा सकता। तो फिर एक ने बताया कि एक महात्मा आए हैं। कहो कैसे हैं भाई? का वो सिंहासन पर बैठते हैं, छत्र लगाते हैं, चमर डुबता है, है ना, और उनके मसाल दिखाई जाती है आगे आगे जब चलते हैं, तो दिन में भी मसाल जल्दी चलती है। बोले अरे ये क्या बात है बाबा, दिन में मसाल जलाने का क्या अभिप्राय? राजा ने कहा हाँ, जब दिन में मसाल जलती है तो जरूर हमारे चलने लायक है, है ना। तो महाराज आके हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। अब वो जो विद्या उसको चाहिए थी वो तो मसाल जलाने वाले के पास थी नहीं, है ना। जो विद्या उसको, जो ब्रह्म विद्या उसको चाहिए थी, वो तो न छत्र में रहती है और न तो 4 हाथ ऊंचे सिंहासन में रहती है और न तो वो मसाल में रहती है, वो तो अनुभवी पुरुष के पास रहती है। अब राजापने का अभिमान तो उसको विरक्त के पास जाने न दे, है ना। और जिनके पास, बोले हाँ हमारी बराबरी के हैं, छत्र सिंहासन रखते हैं, जिनके पास वो जाने को तैयार, उनके पास विद्या ही नहीं, तो उसके विद्या में क्या क्या प्रतिबंधक है, रुकावट क्या है, अड़चन क्या है? अपने राजापने का अभिमान ही ना रुकावट है, है ना। तो उस अभिमान को निवृत्त करने वाली जो शांति है उसको श्रद्धा बोलते हैं, है ना। और चित्त में जो नाना प्रकार के, है ना, विकल्प हैं, है ना, उन विकल्पों की शांति जिससे हो उसको समाधान बोलते हैं। और मुमुक्षु, मुमुक्षा, मुमुक्षा क्या बोलते हैं? ये देखो, ये मुमुक्षा शब्द भी बड़ा विलक्षण है। इसको कोई बच्चे का खेल नहीं समझ लेना। मुमुक्षा में पाने का प्रश्न नहीं है, छूटने का प्रश्न है। मोक्तुम इच्छा मुमुक्षा, छूटने की इच्छा। छूटने की इच्छा तो तब होगी कि जहां तुम हो वहां अगर अपने को बद्ध समझते हो। अगर आप अपने को जेल खाने में समझते हैं तो उससे छूटने की इच्छा होगी, और जो अपने को जेल खाने में नहीं समझता है उसको छूटने की इच्छा ही कहां से होगी? तो बंधन कितने हैं? देखो, भोग में पराधीनता है कि नहीं? आप कोई भी भोग बिना पराधीनता के कर सकते हो? अरे बोलो ना भाई, आप देखो कि आपके अंदर के, भीतर के, बीच के माए, आपने कभी सुना है? ऐसे बोल, राजस्थानी भाषा में बोलते हैं, आपके हृदय के, अंदर के, भीतर के, बीच के माए, तो सिर्फ छूटने की इच्छा,
तो जहां भोग वासना है, अच्छा यदि स्त्री पुरुष की इच्छा है और उसके बिना आप नहीं रहेंगे तो एक दूसरे के पराधीन होना पड़ेगा कि नहीं। अच्छा आप गुड़ खाना चाहेंगे तो जहां गुड़ मिलेगा वहीं जाना पड़ेगा। देश की पराधीनता, काल की पराधीनता, फिर कहीं डायबिटीज हुआ तो गुड़ खाने का मन होके क्या करेगा, पराधीनता ही तो है ना। ये पराधीनता है देश की, काल की, वस्तु की, इंद्रिय की। इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं है तो इच्छा करके क्या करेंगे है? तो पाने की भोग वासना जो है उसमें पराधीनता है। अच्छा कर्म वासना में भी समाज की अनुकूलता चाहिए, सरकार की अनुकूलता चाहिए, परिवार की अनुकूलता चाहिए और अपने हाथ में ताकत चाहिए, तब न कर्म वासना पूरी होगी। भोग वासना, कर्म वासना, तो वासना पूरी करने का जो मार्ग है इसमें भी पराधीनता है। अब ये देखो कि जिस चीज की वासना है वो तो नाशवान है, वो तो हमेशा नहीं रहेगी। 20 वर्ष पहले किसी को देख करके भोग वासना उदय हुई, स्त्री थी पुरुष था, 20 वर्ष बाद वो मिली, तब तक तो बुढ़ापा आ गया महाराज, जो सुंदर चेहरा था उस पर झुर्रियां पड़ गईं, जो काले बाल थे वो सफेद हो गए, जो दांत चमकते थे है ना वो टूट गए। तो विषय जो है वो नासमान है और इंद्रियों में हमेशा सामर्थ्य नहीं रहता, आपको मालूम है। अच्छा मन में हमेशा उसी विषय की रुचि नहीं रहती और भोक्तापना हमेशा जागता नहीं है, भोक्तापना सुषुप्ति आदि में सो जाता है, मन में एक शरीर की रुचि नहीं रहती, इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं है और भोग्य विषय जो है, भोग्य विषय नाशवान है। तो परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायात, वैराग्य की आवश्यकता है, वैराग्य की, विवेक और वैराग्य। जब विवेक और वैराग्य दोनों आते हैं तो समाधि संपत्ति ये वैराग्य की परिपुष्टि है और वैराग्य की परिपुष्टि होने पर ये पराधीनता से मुक्ति नहीं, पर से ही मुक्ति की इच्छा होती है, परा है ना, पराधीनता से मुक्ति नहीं पर से मुक्ति है ना। बाबा हमको तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, अन्य से मुक्ति। जब अन्य से मुक्ति होगी तब कोई कहीं कह दे कि अरे बाबा तू अन्य से मुक्ति चाहता है और अन्य तो है ही नहीं। लो अब कहीं ये बात निकले है ना कि जिससे तू मुक्ति चाहता है कि मैं इसके बंधन में फंसा हूं है ना। अच्छा तो अतः, अब अतः पद का अर्थ समस्त अनर्थ की निवृत्ति करके और परमानंद की प्राप्ति, ये दो विभाग उसे करते हैं। दो विभाग करने की जरूरत नहीं है, पहले हम वासना को समूहीकृत बनाने के लिए, वासना को समूहीकृत करने के लिए विभाग दो करते हैं और इसके बाद है ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म का विचार। आप देख लेना वो चीज ब्रह्म नहीं हो सकती जो हमसे अलग होगी। ब्रह्म माने परिपूर्ण होता है, एक मैं और एक तू और फिर ब्रह्म, एक मैं और एक यह और फिर ब्रह्म, एक मैं और एक वह और फिर ब्रह्म। ये थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके चुप बैठ जाना और ब्रह्म वस्तु का विचार करना कि ब्रह्म क्या है। तो अतः अब ब्रह्म जिज्ञासा ही क्यों, ये भी एक सवाल है, विचार ही क्यों। बोले देखो जो वस्तु
केवल अज्ञान से अप्राप्त होती है। नियम बताता हूँ, सूत्र है, इसका नाम सूत्र है। जो वस्तु केवल न जानने से अनमिली होती है वो दरअसल मिली हुई होती है ना? हमारे घर में पारस का पत्थर है, हम उसको नहीं पहचानते हैं। केवल अनमिला, केवल अपहचाना होने से, केवल न पहचाना हुआ होने से अगर पारस का पत्थर अनमिला है तो पारस का पत्थर तो हमारे घर में ही है। और जो चीज केवल पहचान लेने से मिल जाती है, ये दूसरा नियम देखो, वो पहले से मिली हुई होती है। जो चीज न पहचानने से अनमिली है वो पहले से मिली है, और जो चीज पहचान लेने से मिल जाती है वो भी पहले से मिली हुई है। तो अज्ञान से ब्रह्म अप्राप्त है, इसलिए ब्रह्म नित्य प्राप्त है। और ज्ञान से ही ब्रह्म मिलता है, इसलिए ब्रह्म नित्य प्राप्त है। तो साधन काहे का, ये जो उसका ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान मिटाना है, केवल इतना ही साधन होगा। यदि मुझको ही मैं मिलना है, तो मुझको ही मैं मिलना है तो आपस में कर्त्री कर्म विरोध तो होगा नहीं, मिलने वाला दूसरा और पाने वाला दूसरा, ऐसा तो होगा नहीं है। तब तो ये पाने वाले में और पाए जाने वाले में जो भेद का भ्रम है, उस भ्रम को मिटाने का जो साधन होगा वही साधन होगा है। और हम वस्तु ऐसी चाहते हैं जो परिच्छिन्न न हो, तो सिवाय ज्ञान के उसकी प्राप्ति का उपाय क्या? बोले अज्ञान कहाँ है, अज्ञान हो तो मिटावे। कई आचार्य ज्ञान नहीं मानते हैं, वो उनका मत हमको मालूम है। बड़े घटाटोप के साथ अज्ञान का ही खंडन करते हैं कि अज्ञान नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। आश्रयानुपपत्ति, विषयानुपपत्ति, स्थिति अनुपपत्ति, निमित्तानुपपत्ति है ना, निवृत्ति अनुपपत्ति, निवर्तकानुपपत्ति, निवर्त्यानुपपत्ति, अनुपपत्ति अनुपत्ति, अज्ञान ही नहीं है ऐसा मानते, अज्ञान ही नहीं। कर बाबा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर है ना, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर है। बोले यदि तुमको ये बात बिल्कुल अनुभव में आती है कि अज्ञान नाम की वस्तु नहीं है, जब तुमने विचार पूर्वक ये सिद्ध कर दिया कि अज्ञान नहीं है, तो हम तुम एक ही है। अच्छा, तो अब रही बात अज्ञान निवृत्ति की, तो पहले अज्ञान कहाँ है ये देखना पड़ता है। बोला आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य, इस विवेक के जागृत रहते हुए भी हम अपने को देह मानते हैं, इसका कारण क्या है? आप ये विचार करो कि आत्मा है ज्ञान स्वरूप और देह है जड़ स्वरूप है? देह है जड़, देह ना अपने को जाने ना दूसरे को जाने, और मैं अपने को भी जानूं और दूसरे को भी जानूं, ये जो ज्ञाता और ज्ञेय के स्वरूप में स्पष्ट अंतर मालूम पड़ने पर भी मैं अपने को देह ही मानता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, मैं सन्यासी हूँ, गृहस्थ हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं काला हूँ, गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, दुबला हूँ, ये ज्ञात होते रहने पर भी कि मैं चेतन हूँ और देह जड़ है, ये चेतन अपने को देह से एक आखिर किए हुए क्यों है? तो बोले भाई आओ इस पर विचार करें। तो विचार तो तभी होता है कि जब वस्तु में संदेह हो,
संदेह हो तो विचार करके संदेह का निराकरण होता है, और उस विचार करने से किसी प्रयोजन की सिद्धि होती हो, है ना, सुख मिलता हो। तो देखो, ये ब्रह्म विचार करने में, ब्रह्म आत्मा के ब्रह्म होने में संदेह है कि नहीं, एक बार, है ना। और आत्मा को ब्रह्म जान लेने से अपने को परिच्छिन्न मान करके जितने दुख पराधीनता आदि हैं उनकी निवृत्ति होती है कि नहीं होती है। तो चूंकि आत्मा के ब्रह्म होने में संदेह है और इस संदेह की निवृत्ति से महान प्रयोजन की सिद्धि होने वाली है, इसलिए ब्रह्म विचार प्रारंभ करते हैं।